हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो योर टैलेंट। मेरा नाम है रेचल मॉरिस और आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल हम पहले पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं लेक्चर। सेल्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, राइट? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केवल कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि राइबोसोम, जेनेटिक मटेरियल होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया के शेप्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो पहला जो मॉर्फोलॉजी में है वो है हमारा कोकस। फर्स्ट शेप इज द कोकस शेप। कोकस में आता है, कोकस माने स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल माने गोल। ये कोकस शेप्ड, गोल शेप्ड के बैक्टीरियाज होते हैं, ओके। सेकेंड है हमारा बेसिलाई। बेसिलाई कौन सा शेप हो गया? रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बेसिलाई के अंदर काउंट करते हैं। ये हो गया हमारे बेसिलाई, मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। थर्ड है हमारा कर्व्ड, मतलब स्ट्रेट नहीं है, गोल नहीं है, उनके अंदर कर्व्स हैं। इसमें आते हैं हमारा विब्रियो और स्पायरला। विब्रियो हो गया हमारा कुछ कॉमा शेप टाइप का और स्पायरला हो गया हमारा जस्ट लाइक अ स्पायरल, एक वायर जैसी होती है, गोल गोल घूमी घूमी वायर, वो स्पायरल होती है, तो ये हमारा शेप हो गया स्पायरला। फोर्थ हमारा टाइप है लियोमॉर्फिक वेरिएबिलिटी। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया के काफ़ी सारे और अलग शेप्स हो सकते हैं। देखिए जैसे कि ये शेप हो गया, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि किस शेप का है, ठीक है। कोई ऐसा शेप हो गया, कोई ऐसा शेप हो गया, तो ये अलग अलग शेप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कैटेगराइज किया है लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में, जो कि वेरिएबल होते हैं। मेनली हमें इस लेक्चर में पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है सेल में। साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक फ्लूइड होता है सेल का, जो एक्विस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है सेल को, और जो फ्लूइड उसमें मोस्टली होता है वो किसका होता है, वाटर एंड सम सॉल्ट्स एंड सम प्रोटीन्स। इसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं सेल में वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल होता है, हर लिविंग चीज़ के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, तो सेल के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। मेन चीज़ जो हमें कवर करनी है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट सेपरेट्स द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट। सेल को और जो बाहर एनवायरनमेंट है सेल के बाहर, उसको क्या कर रहा है, सेपरेट एक वॉल क्रिएट कर दे रहा है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब हर चीज़ को परमिनेंट नहीं करता कि वो सेल के थ्रू चला जाए, सेमी परमिएबल है। इट लेट्स इन द न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जिट आउट वेस्ट। न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। कीप्स आउट टॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है वो उसके लिए बुरा होता है, जैसे हमारे लिए अच्छा होता है, हमें बैक्टीरिया से बचाता है, वैसे ही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए खराब होता है। तो वो उस एंटीबायोटिक को और अदर टॉक्सिन्स को भी बैक्टीरियल सेल से बाहर रखता है, ठीक है। और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है, जैसे कि सेल की स्टेबिलिटी, सेल का मेंटेनेंस, सेल की ऑस्मोलैरिटी, ये सब हमें हेल्प करता है। और इट कम्युनिकेट्स, बाहर के एनवायरनमेंट से भी कम्युनिकेट करता है, अदर सेल से भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू फॉस्फोलिपिड लेयर्स, दो फॉस्फोलिपिड लेयर्स इसमें होती हैं। और ये दो फॉस्फोलिपिड्स में भी दो रीजन्स होते हैं, एक रीजन होता है पोलर रीजन और दूसरा होता है नॉन पोलर रीजन। पोलर रीजन वो है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग होता है वो रीजन, और दूसरा है नॉन पोलर रीजन, मतलब हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग है वो रीजन। तो जो पोलर रीजन है वो आउटसाइड अटैच होता है
और जो नॉन पोलर रीजन है, जो वाटर फेयरिंग रीजन है, वो लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पोलर रीजन आउटसाइड में प्रेजेंट होगा और नॉन पोलर रीजन जो वाटर फेयरिंग है वो बीच में प्रेजेंट होगा और लेयर्स के बीच में इंटैक्ट होता है। अब फॉस्फोलिपिड में नेगेटिवली चार्ज्ड पोलर हेड्स होते हैं। ये जो कोना है, जो हेड है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और उसको कहते हैं पोलर हेड। इनसे फैटी एसिड्स निकलते हैं। ये हमारे फैटी एसिड्स जो यहाँ से निकल रहे हैं। दो लेयर हो गई है फॉस्फोलिपिड्स की, एक रीजन हो गया नॉन पोलर, एक रीजन हो गया पोलर। पोलर और सारे फॉस्फोलिपिड्स का जो हेड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और उन पोलर हेड से जनरेट होता है हमारे फैटी एसिड्स जो कनेक्ट होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोटीन तो जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा। ये एक प्रोटीन है जो इस लेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो इस प्रोटीन को हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब ये इसके अंदर प्रेजेंट है। और एक और प्रोटीन होता है जो फॉस्फोलिपिड लेयर्स के बाहर होता है, स्ट्रक्चर के बाहर होता है, आउटसाइड द स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन्स। पेरीफेरल प्रोटीन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं, 10-20% पाए जाते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन्स ये कवर करते हैं हमारा 70-80% प्रोटीन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।